हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज़। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक क्विक लर्नर कैसे बने, यानी आप अपनी लर्निंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 टिप्स के बारे में बताया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टिप है, बिल्ड योर इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर लर्निंग। इसका मतलब आपको किसी चीज़ को लर्न करने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उस चीज़ को पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आप इंटरेस्ट बिल्ड कैसे करें। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज़ द रीज़न होल्ड्स अ फैसिनेशन फॉर यू। आपको ये सोचना चाहिए कि आप ये पढ़ ही क्यों रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि पास होने के लिए, लेकिन आप ये ज़रूर एक अच्छी लाइफ और एम्प्लॉयड होने के लिए कर रहे हैं। यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर एनीथिंग। आप किसी चीज़ को करने में अपने इतने एफर्ट्स कर रहे हो और सेक्रीफाइसेस कर रहे हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसका आपको रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा। इससे आपका क्या होगा, आप मोटिवेट रहोगे और इंटरेस्ट आपका उस काम को करने में अपने आप ही हो जाएगा। हो सकता है कि वो रिवॉर्ड आपका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर आपकी एक अच्छी लाइफ भी हो सकती है, या आप फ्यूचर में जो भी अचीव करना चाहते हो। लिस्ट आउट व्हाट नीड टू बी डन। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने लिखा हो कि इस वीक में आपको कितना पढ़ना है, और इसे एक ऐसी जगह पर रख देना जहाँ से आप इसको आसानी से देख सकें। इससे क्या होगा, इससे आपको ये याद रहेगा कि आपको इस वीक में क्या क्या करना है, और वो लिस्ट आपके सामने बार बार आएगी तो फिर आप ये भूलोगे भी नहीं। डिस्कस अबाउट टॉपिक विद फ्रेंड्स एंड मेक क्वेश्चंस विद ईच अदर। इससे आपके दो प्रॉफिट्स होंगे, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जो आपके फ्रेंड की एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो भी आपको मिल जाएगी, और ये आपको जितना हो सके उतना करना चाहिए। इस पर मेरी एक वीडियो भी है, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ टू स्टडी, तो फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फर्स्ट कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20% ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू लर्न। अब हमें ये तो पता है कि हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करने हैं, लेकिन ये हम कैसे पता करें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कौन से। अब ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं। वो क्वेश्चन पेपर्स लास्ट 5 से 10 ईयर्स के होने चाहिए। अब आपने क्वेश्चन पेपर्स तो निकाल लिए, लेकिन आपको अब क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि किस चैप्टर से ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो फिर इससे क्या होगा, आपका जो मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो आप पहले ही कवर कर चुके होंगे। जिन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको उन चैप्टर्स को पहले करना है, और जिनसे कम आते हैं वो उनको आप बाद में भी कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता है कि किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो फिर अब आपको ये करना है कि आपको उन चैप्टर्स को टफ, एवरेज एंड इजी लेवल में बांटना है। तो फिर जो आपके इजी लेवल में जो आपके चैप्टर्स होंगे, आपको जो इजी लगते हैं, तो फिर आपको उनको पहले करना है, फिर एवरेज को करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप टफ चैप्टर्स को कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो चैप्टर्स इजी लगते हैं तो फिर आप उनको जल्दी जल्दी कर लोगे, तो फिर इससे आपको टफ क्वेश्चंस के लिए टाइम मिल जाएगा। अगर आप टफ पहले करोगे तो फिर हो सकता है कि आप इजी कर ही ना पाओ, तो फिर इससे आपके मार्क्स का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। डोंट ट्राई टू लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको किसी भी चीज़ को सीधे लर्न करना शुरू नहीं करना चाहिए, पहले आपको अपने अंदर उस चीज़ के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। वैसे तो आपके स्कूल्स में किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका एक बेसिक इंट्रो दे देते हैं, लेकिन आप अगर उस दिन एब्सेंट हो तो क्या करें। आपको करना क्या है कि उस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया होगा कि आप उस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, और उस चैप्टर की सभी हेडिंग्स शुरू में ही होंगी। तो फिर इससे आपका क्या प्रॉफिट होगा, अगर आप उस चैप्टर को बाद में डिटेल में पढ़ना शुरू करोगे तो फिर आपको पहले ही पता होगा कि कौन कौन सी हेडिंग्स आने वाली हैं, तो फिर आप उन हेडिंग्स को आपस में अच्छे से रिलेट कर पाओगे। लर्न न्यू थिंग्स इन अर्ली मॉर्निंग विद अ फ्रेश माइंड। आप जो भी नया चैप्टर पढ़ रहे हो वो आपको सुबह पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक ब्रेन जो है हमारा रिफ्रेश हो चुका होता है, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने के लिए रेडी होता है, और जो आपकी नेचुरल राइट होती है वो सुबह सुबह आपके ब्रेन को अलर्ट रखती है।
और इसका थर्ड बेनिफिट ये है कि ये आपके स्लीपिंग शेड्यूल को भी ख़राब नहीं करता है। अगर आप रात को पढ़ोगे तो फिर हो सकता है कि आपको रात को नींद आ रही हो और इससे आप सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाओगे। गेट इनफ स्लीप टू अवॉइड स्ट्रेस, इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो रेस्ट कर चुका होगा तो फिर इससे आप आसानी से किसी भी चीज़ को याद कर पाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ज़्यादा ही सोने लग जाओ, एक टीनेजर के लिए 8 से 10 आवर्स तक का स्लीपिंग टाइम होना चाहिए।